जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं सरस्वती पूजा कब है और जानेंगे इस दिन पूजन का क्या समय होगा, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करें। बसंत पंचमी का त्योहार जो कि हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को श्री पंचमी, बसंत पंचमी और सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से जो कि माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और घर में सभी प्रकार के सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता सरस्वती की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति के पास विद्या होती है तो उसी विद्या के बल पर वह हर चीज को अर्जित कर पाते हैं। इस दिन जो कि बसंत पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करती हैं। भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं जो न केवल एक उत्सव होते हैं बल्कि पर्यावरण में आने वाले बदलाव के सूचक भी होते हैं। हिंदी पंचांग की तिथियां अपने साथ मौसमी बदलाव का संकेत भी देती हैं, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक होती है। उन्हीं त्योहारों में से एक बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी एक जो कि हिंदू का त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में जो कि बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। बसंत ऋतु जो कि जीवन में एक अद्भुत शक्ति को लेकर आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी ऋतु में ही पुराने वर्ष का अंत होता है और एक नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस ऋतु के आते ही चारों तरफ जो कि हरियाली छाने लगती है, सभी पेड़ पौधे में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बेड़ों से लग जाते हैं और खेत सरसों के फूल से भी भरे पीले दिखाई पड़ते हैं। जौ गेहूं की बालियां खिलने लगती है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इसी स्वभाव के कारण इस ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। इस ऋतु का स्वागत जो कि बसंत पंचमी या श्री पंचमी के उत्सव से किया जाता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना की तब चारों ओर शांति से छा गई। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी। विष्णु और ब्रह्मा जी को ये रचना कुछ अधूरी प्रतीत हुई। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का और उसके बाद फिर वृक्षों के बीचे बीच एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, जिन्हें हम देवी सरस्वती के नाम से जानते हैं, जिनके चार हाथ थे। एक हाथों में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर जैसे ही देवी सरस्वती ने वीणा बजाई, सारे संसार को वाणी की प्राप्ति हो गई। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें देवी सरस्वती का नाम दिया और इन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन जो कि माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे माता सरस्वती प्रसन्न होकर के अपना कृपा प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं बसंत पंचमी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि पंचमी तिथि प्रारंभ समय 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार दोपहर 12:35 और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 10:29। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है बसंत पंचमी तिथि के लिए, वह समय 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो 26 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन जो कि माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सूर्योदय जो कि सुबह 6:43 और सूर्यास्त शाम 5:37 जो कि 26 जनवरी को है, और राहु काल का जो समय होगा, राहु काल समय के दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्यों को या पूजन आदि के कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो 26 जनवरी के दिन राहु काल का जो समय है, वह समय दोपहर 1:32 से शाम 4:54 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए या लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:57 तक होगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र, योग जो कि शिव योग दोपहर 3:29 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा 26 जनवरी को। 26 जनवरी को जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी होगा, जो कि शाम 6:57 से अगले दिन सुबह 7:12 तक। संत पंचमी तिथि के दिन सरस्वती पूजन का जो समय होगा, वह समय जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है, वह अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 6:44 से सुबह 8:05 तक है। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 9:27 से सुबह 10:48 तक। यह दो मुहूर्त जो कि बड़ा ही अच्छा है, यह मुहूर्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार यह समय है। वैसे आप पूजन के लिए जो कि सुबह 6:45 से दोपहर 12:30 तक, आप 26 जनवरी 2023 दिन गुरुवार को माता सरस्वती का इस दौरान पूजन आदि का कार्य कर सकते हैं, तो यह बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। जो भी सरस्वती पूजन करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी आदि में स्नान करनी चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके माता का प्रतिमा स्थापित करते हो, या प्रतिमा अगर ना हो तो फोटो आदि रख करके भी माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए एक आसन लगाएं और आसन में बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और माता सरस्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके एक चौकी पे जो कि पीला वस्त्र बिछाएं और वहां पर माता सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद अपना शुद्धिकरण करें, तिलक धारण करें और एक दीप प्रज्वलित करके दीप जला करके रखें। दीप के नीचे जो कि थोड़ा सा अक्षत रखें और फिर वहां पे दीप को स्थापित करें। उसके बाद पूजन का संकल्प लेना चाहिए, माता सरस्वती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता सरस्वती, आप हमें विद्या प्रदान करें, या जो भी आपकी कामना हो वह माता सरस्वती से कहें और फिर माता का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, तो पहले गणेश अंबिका का पूजन कर ले, उसके बाद फिर कलश को स्थापित करके कलश देवता का पूजन करें, कलश में तीर्थों का आवाहन करें, समुद्रों का आवाहन करें, इसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें। दिन में पूजन होता है तो दिन में सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। तो इस दिन जो कि दिन में ही पूजन किया जाएगा, तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें और खोडश मातृका का पूजन करें। इसके बाद फिर कामदेव और रति का भी पूजन करना चाहिए, उसके बाद फिर माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार से दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है और माता सरस्वती की कृपा से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हों उसका भी पूजन किया जाता है और इस दिन से जो कि इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, यह एक अबुझ मुहूर्त के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। आप इस दिन जो कि किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। बसंत पंचमी का दिन, यह दिन जो कि अबुझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, वो इस दिन जो कि माता सरस्वती का पूजन उन बच्चों से अवश्य ही करवानी चाहिए और इस दिन से जो कि अपने बच्चों से आप विद्या आरंभ करवा सकते हैं। इस प्रकार से अगर इस दिन विद्या आरंभ करते हैं तो वह बच्चा आगे चलकर जो कि तेजस्वी होता है और माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती है। इस दिन माता सरस्वती का जो कि पूरे विधि विधान के साथ कोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए या पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा इस दिन माता सरस्वती को जो कि इनका आवाहन करे, फिर आसन प्रदान करे, फिर पाद्य अर्घ आचमनी करवाएं, स्नान के लिए जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, गंधोदक स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से माता को स्नान करवाएं, फिर वस्त्र उपवस्त्र आदि प्रदान करें, आभूषण श्रृंगार की वस्तुएं आदि प्रदान करें, फिर सिंदूर कुमकुम अबीर गुलाल सुगंधित द्रव्य आदि प्रदान करें, फिर अक्षत पुष्प पुष्पों की माला माता सरस्वती को प्रदान करें, बिलपत्र आदि चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता सरस्वती को अर्पित करें। जितने भी प्रकार के इस ऋतु में फल प्राप्त होने वाले हैं वो सभी प्रकार के
फल माता को अर्पित करने चाहिए। इस दिन विशेष प्रकार से माता सरस्वती को जो कि किसी भी पीले वस्तु का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। खीर आदि का भी इस दिन माता को भोग लगाएं, ऋतु फल आदि चढ़ाएं, उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, फिर पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें, फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, फिर आरती करें, उसके बाद फिर प्रदक्षिणा करें और माता से प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने से माता सरस्वती अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। बस तो इस दिन माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, माता की आरती आदि करनी चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।